हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया ही होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे। तो आप लोग देखकर ही पहचान गए होंगे, मेरी मम्मी है ये। देखिए बालों सब बिखरा बिखरा, कितना भी झरा जा रहा है फिर भी बिखरा उखरा ही रहता है। तो चेहरा और इधर आ जाइए, चेहरा साफ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी हैं, और आज अपने बारे में, मतलब अपने जीवन शैली के बारे में ये बताएंगी कुछ, कि मतलब किस तरह से इनके समय में वातावरण कैसे था, लोग कैसे रहते थे, कैसे क्या क्या खाते पीते थे, और किस तरह से मतलब शादी होता था, क्या क्या लेकर आते थे उस समय के बारे में ये खुद बताएंगे। कि देखिए, क्योंकि 50 साल पहले की ये सब बात जो जानती हैं मेरी मम्मी, वो बताएंगी आप लोगों बीच में। तो आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो लोग देखेंगे ना, वो लोग सच में कहेंगे कि हाँ, ऐसा ही 40 साल 50 साल पहले ठीक वैसा ही होता था जैसे मेरी मम्मी बताई हैं। तो आप लोग लास्ट तक मेरे वीडियो को देखिएगा। तो मम्मी, आप अपने समय में जब छोटी थी तो क्या क्या कैसे कैसे कपड़े पहनती थी? कपड़ा पहले तो सादा के कैसा, मतलब एकदम 6 रुपया का, 6 रुपया का, 6 रुपया का कपड़ा। देखिए दोस्तों, आए अब कितना कितना महंगा पहले तो सब लाखनों का, 200, 500 के, 10 हजार के, 15 हजार के, अब पहले सब 3 हजार का, 2 हजार के, अब सब पही रहता है 600 में, 600 में, 300 में, 500 में। है का पहनी है? है आई पहले मानी छुच्छी है। अच्छा, तो दोस्तों देखिए, ये नाक में जो पहनी है ना, ये छुच्छी है। और मतलब शादी आपका कितना दिन हो गया था? शादी का शादी भाई लाल की थी। कितना उम्र के थी तब शादी हुआ था, आप बताइए। रही समान 6-7 बरस का रहनी समान, तब शादी हो गई। झीने पर शादी हो गई। तो कोरा लेके सब दूल्हा को उठावत रहे कोरा। हाँ। तो जैसे दोस्तों देखिए, शादी उस टाइम हो रहा था जब बच्चे को होश भी नहीं था। आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, 8 साल के बच्चे इस टाइम सोच सकते हैं। तो इन लोगों को होश भी नहीं था कि कब शादी हुई थी, कब नहीं शादी हुई थी, और किस तरह से शादी हुई थी ये भी नहीं इन लोगों को पता था, मालूम नहीं। तो मनाई मुंह ना करे, गुट काट ले रहा है, गुट काट के सब बैठा दो नाम को के क्यों देखा नहीं, हाथ गोल नहीं क्यों देखा, तनी सही हाथ निकला। तो देखिए, उस समय का बात है, और गांव का ये रीति रिवाज था, सब कुछ था। और आजकल तो हर एक चीज का फैशन हो रहा है, जैसे अभी तो मेरे ही ऊपर आप लोग कह सकते हैं है ना। तो क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा अपना पेट पालने के लिए, हर एक चीज करने के लिए, और ये सब फील्ड, इस फील्ड में तो सभी लोग जुड़ रहे हैं। तो आज उसी के माध्यम से मम्मी के से भी मैं कुछ बहुत कुछ जानूंगी। और उसके बाद से जब शादी हुई थी तो अपने घर पे कैसे आई थी आप? डल्लफ का था वो, डल्लफ चला था बैला गाड़ी। अच्छा, बैल वाला था। बैल वाला गाड़ी चलता है। हाँ, तो दोस्तों जैसे वो आप लोग कौन सा फिल्म देखे होंगे, अजय देवगन का कौन सा फिल्म है? अजय देवगन का ना हाउ नहीं हाउ का ना, जो गाना चलता है हमें ना भुलाना साजन, हमें ना भुलाना। अच्छा। तो उसमें जो बैल हाँकते हुए सब लेके जाते हैं ना दुल्हन, उसमें बैठा कर लेके जाते हैं, तो सेम उसी तरह ये लोग, हकीकत का कहानी है ये, उसी तरह से ये लोग आए थे। तो मेरी मम्मी ना डल्लफ में आई थी, जो दो बैल थे और पीछे टायर की तरफ था और उसको सजाया गया था, तो उसमें ये आई थी। हाँ, तो आप आई थी तो उस टाइम किस प्रकार का आपका घर था? अरे दादा, मड़ई है तने चुक हेल निहूर के, निहूर के हेल निहूर के, मड़ई है तो चुक रहा। तो दोस्तों देखिए, मड़ई था उस टाइम भी, मड़ई था इस टाइम भी, अभी फिलहाल मड़ई है। सोचिए, कोई परिवर्तन नहीं आया है। दीवाल है भीति का, अभी भी दीवाल है, एक साइड में है, आप लोगों को कभी मैं दिखाऊंगी। और अभी तक में हम लोगों का मड़ईये है, अभी कोई सुधार नहीं आया है, क्योंकि बहुत हमारा गांव जो कहते हैं ना, बहुत पीछे अभी चल रहा है, बहुत ही पीछे है, एकदम पीछे। तो लगभग बहुत लोग हैं जो मतलब बाहर कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उन लोगों का बन जा रहा है, लेकिन क्या करें, अभी हम लोग भी अब परिश्रम करना चालू कर दिए हैं, तो थोड़ा बहुत सुधार आ रही है हम लोगों में भी, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही देखिए, पूरा बात बताएंगी मम्मी। तो उसके बाद से क्या क्या, किस पे खाना वाना बनाती थी आप? अरे दादा, पत्ता लगा लगा
पत्ता पत्ता कहाँ से मिलता था? आ पत्ता उखिया गन्ना बुआत रहल तमाने बहुत ऊख बुआत रहल वो लगावत रही सन पत्ता तो दोस्तों आज भी बनता है पत्ता पे गांव में अधिकतर। अभी अभी मोदी जी हम लोगों को गैस दिए हैं लेकिन एक महीना भरवा लेते हैं तो दूसरा महीना हम लोगों को ऐसे ही देखना पड़ता है। तो एक महीने तक चूल्हे पे ही किसी तरह से व्यवस्था करके बनाते हैं। गैस तो अभी है व्यवस्था हो गया लेकिन कितने लोग लेकिन चूल्हे पे ही बना रहे हैं और लोग। तो और कुछ बताइए तब और का बताई जन रहन बताई अब कौन की बताई कि ऐसे ऐसे कार बिखो में काका अपने घर से क्या क्या पहन के आई। अब अपने घर से पहन के आई लगी नकुरा में कने बुलाक जन कहल जा सोने के बुलाक। हाँ और ओकरे बादे हई कनवा में तरकी सिकर मथहरी झूलल ल हई यहाँ लटकल ल मथहरी लगौले कनवा में तरकी छिनकट गए तरकी पहले कनवा छिनकट गई तरकी। दोस्तों अभी हम लोग झुमका पहनते हैं देखिए ऐसे ऐसे झुमका पहनते हैं। तो फिलहाल ये भी मेरा नकली का ही है ₹5 में ये चिप्स में निकला है। तो मम्मी मेरी असली का किसका सोने का रहता था कि चांदी का? अरे चांदी पहले तो नहीं सोने चांदी का सब चांदी का सब चांदी तो अभी आप लोग एक निरहुआ रिक्शा वाला में देखे होंगे अमरपाली मैडम इसमें यहाँ पे पहनी हुई है वो जो गाना चलता है नई झुलनी के छैया दोपहरिया बिताई लाना है ना। तो उसमें आप लोग देख सकते हैं वहीं से। तो मतलब थोड़ा बहुत जो है अभी कंडीशन जो पुराने जमाने का खींच कर ले आने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जैसे मूवी हुआ कोई भी फिल्म में चाहे हिंदी हुआ चाहे भोजपुरी हुआ तो सभी में लेकर मतलब कोशिश कर रहे हैं 40 साल पहले का जो रवैया था वही दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी मम्मी का बात एकदम सत्य है जो ये बोल रही हैं बिल्कुल सत्य है। आप लोग गौर से सुनिए और जाकर सर्च भी करेंगे ना तो सेम ऐसे ही दिखाई देगा आपको कि पहले की महिलाएं क्या क्या पहनती थी और हाथ में क्या पहनती थी। हाथ में पछेला अपायरे में छड़ा काने में तरकी सिकर मथहरी लगल है। हाँ चनिया के अच्छा अभी तो दुल्हन को 20,000 का 25,000 50,000 का दिया जा रहा है लहंगा पहन के जयमाल हो रहा है। तो आपके शादी में कितने साड़ी गए? दादा ₹30 का साड़ी गई सूती 30 रुपया का 30 रुपया की साड़ी। हाँ, 30 रुपया एक ही साड़ी में सब कुछ हो गया था। अरे दादा किनारी लुगा और सादा गई बियौती सादा सादा बियौती गई 6-6 रुपया मिलत रह सादा वा तब ₹6,000 में सादा। तो दोस्तों मैं इसलिए आप लोगों के बीच में ये लाई हूँ। और उस टाइम कैसे मतलब खाना भोजन वोजन कैसे मिलता था? अब भोजन वोजन मिलता गोसे वोसे भोजन मिलत रहा तब मन नहीं गोसे वोसे नहीं भोजन मिलता दाल भात तरकारी बने ब्याह शादी ये होकर ब्याह शादी में। और वैसे जो लोग खाते होते थे मतलब साग हो गई कोदो खात रहना तब का मन कोदो मेरुआ कोदो सावा ये कुछ सब खात रहा तब का। और इथी का लेला जौ गोजई के पिसान खात रहा सब रोटी जौ पहले हड्डी एकदम मजबूत पहले का वो लोग खाते थे ना तो बहुत मजबूत था। तो अभी भी जितना मेरी मम्मी काम कर सकती हैं उतना अभी हम लोग काम नहीं घर में मतलब चार बहुएं हैं ना लेकिन चारों लोग नहीं कर सकती इतना जितना मेरी मम्मी काम करती हैं। और सबसे मतलब चारों में से निकम्मा मैं ही हूँ जो मैं उतना ज़्यादा काम उम नहीं कर पाती घर पर बस खाती बनाती हूँ सोई रहती हूँ पड़ी रहती हूँ कोई काम तो है नहीं। तो मेरी मम्मी का कह रहा है ना दुगुनवा तीनगुनवा चारगुनवा 5 गुना अभी ताकत है। आप लोग अगर कोई भी अगर कितना हो भी ताकतवर है ना तो कभी रेस लगवा कर देख लीजिएगा ये भागने में बहुत तेज हैं भागने में तो दोस्तों क्या बताएं अभी बहुत सारी बातें हैं जो अपने समय में हमको ऐसा ऐसा बात बताई हैं
कि मैं सोच के ही ना मैं वो एकदम भावुक हो जाती हूँ कि मतलब किस तरह से इन लोगों को भोजन मिलता था। जैसे बैल रहते थे ना इन लोगों के घर पे, बैल भैंस रहते थे, सही बता रही हूँ, तो छोड़ देते थे जो बड़े बड़े लोग रहते थे ना, तो उनके खेत में छोड़ देते थे, रात में चर के चले आते थे। और उसके बाद से वो लोग, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, तो खा कर वो जो अनाज आते थे वो फिर पोटी करते थे ना, गोबर हाथ धो धो, तो गोबर उसका निकाल कर धोते थे, तो इतना इतना सारा गेहूं उसके निकलता था। गोबर रोटी खेले बड़ी तो चौवा का खाई। अब बताइए खेले बड़ी हड्डी बरियार बा। अब इंजार थरिया तो सोचिए इतना इतना लोग, मैं तो सुनी ना तो एकदम भावुक हो गई, क्योंकि मैं अपने लाइफ में कसम से मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं देखी थी। लेकिन मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा बचपना बिल्कुल शहर में गुजरा था और मैं काफ़ी दिन के बाद वहाँ से हम लोग आए थे। जब मैं शादी योग्य हो गई तब मैं गाँव में रहने लगी, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई भी मुझे और आगे करना था, तो इसकी वजह से मैं रहने लगी। लेकिन ऐसा कुछ माहौल मैंने नहीं देखा था, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला ऐसा कुछ नहीं देखा था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी इसके वजह से मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन मेरी मम्मी जब बताती है ना तो मेरे होश उड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे बात तमाम सारी बातें हैं कि आपके बीच में मैं शेयर नहीं कर पाती, लेकिन अब क्या करूँ जितना है उतना, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा ना आप लोगों के बीच में, तो आप लोग ऐसी मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार देते रहिए। तो मम्मी और कुछ नहीं है? और कुछ तो बहुत कुछ डाली सब। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि पहले के जमाने का जो क्या क्या अभी जो छूटा है, आप लोग कमेंट करेंगे ना, तो वो सभी बातों पे मैं वीडियो बनाऊंगी इनका, और आप लोगों के बीच में मैं पेश करूंगी, ठीक है ना? है क्या मम्मी? ऐसे सेब है ही, संतरा है, संतरा है। संतरा का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? संतरा है, संतरा। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऑरेंज, ऑरेंज है, ऑरेंज। क्या है? ऑरेंज है, ऑरेंज है। दोस्तों थोड़ा बहुत मैं इनको लिखाने की अपना नाम कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी क्या फायदा, अभी स्कूल स्कूल तो जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत अपने घर में जो है ना थोड़ा बहुत इंग्लिश में सोचते हैं थोड़ा सा बात करने के लिए। तो चलिए, क्योंकि बच्चे अब सभी लोग के घर में पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी लोगों को आता होगा थोड़ा बहुत। तो मेरे मम्मी का बात कैसे लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है? तो बाय बाय दोस्तों, ठीक है ठीक है। कुमनी कुमनी क्या निकलना सभी।